खड़े हैं मुंबई के देवनार चेंबूर बोरबा देवी नगर में, जहां पे 100 से 150 लोगों की जनसंख्या में यहां लोग रहते हैं अपने झोपड़ों में। गरीब लोग हैं, छोटे बच्चे बच्चे रहते हैं। मैं कैमरामैन से बताना चाहूंगा कि जरा इनके तरफ एक फ्लैश करें, कितने लोग आज बेघर हुए हैं। कम से कम 100 लोग अपने घरों से बेघर हुए हैं। यहाँ पे महानगर पालिका की कार्रवाई हुई है। महानगर पालिका का कहना है कि यहाँ पे लोग अनलीगल तरह से रह रहे थे, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पे 40 से 50 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो पुराने डॉक्यूमेंट्स है, 40 से 50 साल के डॉक्यूमेंट्स है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह इनका घर का नुकसान हुआ है। घर के ट्यूबलाइट तक महानगर पालिका के छोड़े नहीं है। जो इनके घरों में जो खाना बना हुआ था वो खाना को भी उनको उठाने नहीं दिया, निकालने दिया नहीं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं, उनके बैग उसमें दबे हुए। घरों में जो खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं, गैस चूल्हा सिलेंडर जो होता है, उसे भी तोड़फोड़ कर दिया महानगर पालिका ने। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो यहाँ के रहवासी, जो यहाँ रहते हैं, कुछ महिलाएं हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, आइए हम उनसे बात करते हैं कि इनकी जो समस्या है किस तरह है। महानगर पालिका की तरफ से उनको कोई खत मिला था, उनको कोई लेटर मिला था, क्या कहेंगे आप लोग? कितने साल से यहाँ पे रहते हैं, क्या कहेंगे आप? हम लोग यहाँ पर रहते हैं 60 साल से, और 60 साल से रहते हैं, मगर हमको कभी बोला नहीं गया कि ये टूटने वाला है कि कुछ भी। आए डायरेक्ट और तोड़ दिए, न घर से सामान निकालने दिया है, ना हमारे बच्चों का सामान निकालने दिया, ना खाने का तक सामान निकालने नहीं दिया है, और बस बुलडोजर ला के चढ़ा दिया। हम पूछ रहे कौन भेजा है, क्या भेजा, कुछ पता नहीं, कुछ बताते नहीं। लेडीज पुलिस ला के क्या कहेंगे आप लोग? कोई नोटिस दी गई थी कुछ दिनों पहले घर खाली करने के लिए? नहीं नहीं, कोई नोटिस नहीं दी गई थी। बस वो नोटिस लगा के लगाए भी नहीं है, खाली आते थे हम तोड़ने वाले है, बाकी नोटिस नहीं है कि कभी बोला नहीं गया है। गया क्या आएंगे हम तोड़ेंगे, डायरेक्ट आए बुलडोजर लेके चला दिए। हम पूछ रहे हैं कि कौन है, क्या है, किसने भेजा, कुछ नहीं बता रहे। लेडीज पुलिस बुला के हमको सबको हटा दिया गया है। ये सच है कि 100 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन महानगर पालिका का सरकार का एक GR है, क्या कहेंगे? आपकी क्या समस्या है? आप लोग कितने साल से यहाँ रह रहे थे? हम लोग 60-70 साल से, मेरी सास लोग रह रहे, अब भी हम लोग आए, नए लोग हैं शादी करके, फिर भी हमारा घर आज तक कोई तोड़ा नहीं था। ये नए नए लोग आए ना जो घर तोड़ तोड़ के जा रहे हैं, और कुछ सामान नहीं निकालने दिए। फ्रिज वगैरह सब, खाट वाट, पलंग उलंग सब वैसे ही है घर में, पूरा तोड़ दिए। यहाँ तक बच्चों की आधार कार्ड भी, हमारे बैग भी सब उसी के अंदर है। हम लोग सुबह से खाना पानी कुछ भी नहीं खाए, ये इसी की वजह से हम लोग खड़े हुए। तो सच ये है कि छोटे छोटे बच्चे इस घरों में रहते थे, उनके माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहते थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बच्चे अभी जस्ट स्कूल से अभी अपने घर पे आए हैं, लेकिन स्कूल से घर पे आने के बाद उनका यहाँ पे घर नहीं है। महानगर पालिका की तरफ से उनके घरों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। जो बच्चे रात को खाना खाने की भी उनकी सुविधा नहीं है। मैं आपको और एक इंसान दिखाना चाहता हूँ जो अपने पैरों से मजबूर है, जो चल नहीं सकते हैं, वो किसी तरह अपने जीवन को बिताते हैं, लेकिन यहीं पे उनका गुजर बसर हो रहा था, लेकिन महानगर पालिका ने विदाउट नोटिस दिए इनके घरों के ऊपर कार्रवाई की है। क्या कहेंगी, आपकी क्या समस्या है? कितने साल से रह रहे आदमी? 7 साल से, जन्म भी इधर हुआ, मरा भी इधर। मेरा आदमी की डेथ सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, और मैं यहाँ रहती हूँ। लड़के का शादी हुआ, उसको घर नहीं था तो घर यहाँ पे बना के दिए। एक बात होता है, महानगर पालिका अगर घर नहीं तोड़ती है, अगर तोड़ती है जो भी है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स होते तो कितने साल के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे? ये सब है हमारे पास, 35 साल पुराना है मेरा। शादी करके आई मैं जब से हूँ, मेरे 3 बच्चे, वो तीनों बच्चों का नाम राशन कार्ड में है। उसमें से मोहम्मद इमरान की शादी हुई, वो अलग रहता है, तो उसका भी घर टूटा, उसका 4 महीने का बच्चा है। मैं रहती हूँ सामने, यहाँ की पूर्व हूँ मैं। 60 साल पुराना मेरा आदमी था, 35 साल शादी करके मैं आई हूँ। लोगों का एक ही कहना है कि 60 साल से यहाँ पे रह रहे थे, तब तक महानगर पालिका ने इनके घरों पे कार्रवाई नहीं की, लेकिन आज अचानक यहाँ पे बुलडोजर चलाने के बाद लोग बेघर हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि 100 घर वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपनी रात कहाँ गुजारेंगे? और हमारे साथ बोरबा देवी के रहवासी जुड़ चुके हैं। हम एक ऐसे इंसान से बात कराना चाहूंगा, आपको रूबरू कराना चाहूंगा, क्या कहेंगे? कितने साल से आप यहाँ रहते हैं? बचपना चला गया मेरा इधर रहते हुए, आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ बना लिया हूँ। मैं दुकान के लिए मैं गया था मंत्रालय जो है ना, तो अचानक में फोन आया, बोले तुम्हारा घर तोड़ रहा है। तो मैं बोला अभी तक तो कुछ मालूम नहीं था मेरे को, और अचानक आज कैसे घर टूट रहा है। तो फिर मैं वहाँ से तुरंत भागते हुए आया और यहाँ पे देखा, सब टूटा हुआ पड़ा हुआ है मेरा घर, सब मेरा सामान, मेरे पेपर, मेरा हैंडीकैप सर्टिफिकेट जो है आधे से ज़्यादा सब अंदर ही दबा हुआ है। अभी तक निकालने का मौका भी नहीं मिला, और ना ही तो वो लोग निकालने दिए, मैं था भी नहीं, बिना मतलब वो कुछ बोले हुए और मेरा घर तोड़ के ऐसे चले गए। अब मैं हैंडीकैप आदमी किसके घर पर जाऊँ, गवर्नमेंट के घर पर जाऊँ कि किसके घर पे रहूं? ये जवाब गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा।
ये तो बात सच ही है कि महानगर पालिका अगर इनके घरों के ऊपर कार्रवाई की है तो इनके बारे में सोचना चाहिए था, पहले इन्हें एक नोटिस देनी चाहिए थी कि आप घर अपना खाली कर दीजिए, उसके बाद महानगर पालिका को कार्रवाई करनी चाहिए थी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो इस मोहल्ले में रहते हैं, इस इलाके में रहते हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, पांजापुल में रहते हैं तो यहाँ की जो आप देख रहे हैं आबादी जो है और यहाँ की जो समस्या है आप उससे खुद रूबरू है, क्या कहना चाहेंगे, अभी क्या राय है? सर मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि ये बहुत दुर्व्यवहारिक तरीके से अति निष्कासन किया गया है यहाँ पर, और नोटिस भी फर्जी नोटिस है वो, जहाँ उस पर लिख रहा है कि 22/12 को जो है आपको 2014 में आपका घर तोड़ा जाएगा, और वो 24 घंटे की नोटिस उन्होंने दी, एक ही लेटर खाली एक ही जगह पर लगा दिया, जबकि हर एक झोपड़ी धारक को इंडिविजुअल लेटर देना है और उसको समय भी देना है कि आप आपके पेपर जमा करें। और ये झोपड़पट्टी पुनर्वसन के नाम पे, कायदे के नाम पे, 2001 के कायदे के नाम पे जो सुधारण की जो पोजीशन होती है वहाँ पर इन्होंने पूरा सबका अतिक्रमण कर दिया उस स्कीम के तहत। ये बात तो सच है कि 100 से 150 लोग अपने घरों से बेघर हैं, लेकिन आज की रात उनकी कैसे बीतेगी, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी वो भी बाद में है, लेकिन आज के बाद भी उनकी जीवन किस तरह होगी, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में अपनी पढ़ाई करते हैं उनका क्या होगा, महानगर पालिका को इस पर ध्यान देना चाहिए था। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पे लोग जो बेघर हुए इनके लिए क्या सुविधा हो सकती है, या इनकी रात कैसे बितानी चाहिए, इनके लिए आपकी तरफ से क्या मदद हो सकती है? हमारे तरफ से ये मदद हो सकती है ताकि इस जो झमेला हुआ है, महानगर पालिका ने जो अतिरिक्त कार्रवाई की, इसको एक अतिरिक्त कार्रवाई बोले सकते हैं हम लोग, जैसे कि प्रधानमंत्री कल चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हर गरीब को उसके घर के बदले घर मिलना जरूरी है, चाहे वो झोपड़ा हो चाहे वो बड़ा अमीर हो, हर किसी को घर के बदले घर मिलना चाहिए। लेकिन सही मामले में ये देखा जाए, आज रोज नए दिन नए जगह पे महानगर पालिका की कार्रवाई की जा रही है, ये कार्रवाई कहीं जाके गरीबों के घर पे ही हो रही है, किसी अमीरों का घर कितना भी, आज मैं देखता हूँ जो ईडन गार्डन है, मेरा बचपना गया है पांजरापोल में, ईडन गार्डन को एक नया गेट दे दिया गया है, ये किसने दिया है ईडन गार्डन को नया गेट, जबकि गरीब अगर किधर रास्ता मांगता है उसको रास्ता नहीं दिया जाता है, ठीक से लाइट नहीं दी जाती, जिसको पानी नहीं दिया जाता है गरीब को, इन बड़े अमीर लोगों के घर में 24 घंटा पानी चलता है, 24 घंटा बिजली चलती है, इनको दो दो तीन तीन गेट दिए जाते हैं, ये कौन रोकेगा? ये सब हम लोग को आम पब्लिक को अभी लेके चलना चाहिए, हम लोग जब तक इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। जानना चाहूंगा कि महानगर पालिका के अधिकारी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इन जो घरों पे कार्रवाई हुई है ये अनलीगल तरीके से घर बनाए गए थे, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, तो क्या लगता है कि ये लोगों का कहना है कि 60 साल से यहाँ पे रह रहे थे और इनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, तो क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल इशू हो सकता है या कोई राजनीति मुद्दा हो सकता है, या आने वाले चुनाव को देख के किसी ने ये काम करवाया, या कोई यहाँ पे इच्छुक बिल्डर हो जो यहाँ पे प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहता है उसने ये काम किया हो, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है वो सही मामले में कदम रखता है, ये बिल्कुल ये उसी तरीके से हुआ गया है, जैसे कि आप देखते हो कि 2000 के बाद में जो झोपड़े को आप 60 साल से रहते हो या 20 साल से रहते हो, आज 2016 चल रहा है, मतलब आप 16 साल से यहाँ पे रुके हुए हैं तो आपको घर के बदले घर देना जरूरी है, आप 10-15 साल से भी रुके हो तो आपको घर मिलना जरूरी है, ये सब बिल्डर और पॉलिटिशियन का खेल किया हुआ है, जबकि गरीबों को यहाँ से गरीबी हटाओ नहीं गरीबों को हटाओ ये इनका नारा है और ये लेके चलने वाले है, जब तक गरीबों को उनकी बाबा साहब ने उनको एक जमाने में ये कहा था कि जो जुल्म सहता है जब वो आवाज उठाएगा तभी ये इतिहास बदल देगा, मतलब गुलामों को उनकी गुलामी का एहसास करवा के दो तभी वो बगावत करके उठेगा, इसके लिए मैं सब लोगों को मेरे गरीब भाइयों को यही बोलना चाहता हूँ, इसके खिलाफ आप खुद लड़ना चाहिए, ना कि किसी का सहारा लेना चाहिए, जब आप सहारे के बदौलत चलते हो तब वो आपका फायदा ही और फायदा ही लेगा। ये तो सच है कि 100 से 150 लोग आज अपने घर से बेघर हैं। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस इनसे हम जुड़ेंगे। महाराष्ट्र, ठाणे का दिवा गांव जो विकास से कोसों दूर था, यहां की जनता अपने आप को असुरक्षित मानती थी, यही दिवा गांव अब विकास की ओर अग्रसर है। दिवा की दशा बदलने और इसे बेहतर गांव बनाने का बीड़ा उठाया है भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता उदय महात्रे ने। उदय महात्रे का कहना है कि दिवा का विकास ही उनका मकसद है। उदय महात्रे ने कहा,
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को वे अपना आदर्श मानकर कार्य कर रहे हैं। वे पार्टी के माध्यम से दीवा का विकास करते हुए दीवा के नागरिकों को समस्या से निजात दिलवाएंगे। ब्रेक के बाद हम फिर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो इन इलाकों में रहते थे, इन घरों में रहते थे, जिनके घरों के ऊपर महानगर पालिका ने निर्दयी होके इनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिया है। हम कुछ बच्चों से बात करना चाहेंगे। क्या कहते हो, क्या कह रहे हैं, क्या कहना है आपका? आप यहाँ रहते हो, आपका घर टूट चुका है, क्या कहेंगे? हम लोग ना अभी ना स्कूल से आए, हम लोग खाना क्या खाएंगे? एक छोटा बच्चा के एक ही कहना है कि हम खाना क्या खाएंगे। और मैंने खुद यहाँ पे विजिट किया और उसमें देखा कि जो बुलडोजर चला हुआ उनका जो खाना बना हुआ डब्बा रहता है उसके ऊपर बुलडोजर चला हुआ है, खाना नीचे पड़ा हुआ था। क्या कहोगे? आप यहाँ पे रहते हो, आपकी पढ़ाई लिखाई है और आपका घर टूट चुका है, आपका क्या विचार? रात को सोएंगे किधर, हम लोग पढ़ेंगे, अभी जाएंगे तो पैसा गिर गया किधर, अभी नहीं मिल रहा। ये तो सच ही है कि बच्चों को काफी मुसीबत का यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। क्या कहोगे? आप यहाँ पे रहते हो, कितने साल से रहते हो और आप कितने क्लास में पढ़ते हैं? मैं 7th क्लास में हूँ, मैं यहाँ से 12 साल से रहता हूँ। मैं सुबह से स्कूल से आया हूँ, मैं काफी देर तक खाना नहीं खाया हूँ। मैं जैसे स्कूल से आया देखा तो यहाँ पे सब लोग घर तोड़ रहे थे, यूनिफॉर्म बैग सब मेरा चले गया है। ये बात तो सच है कि बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में अगर महानगर पालिका की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इनको कोई सहायता नहीं मिलती है तो इनको यहीं पे बाहर सोना पड़ेगा। हमारे साथ एक इंसान है जो अपने इन घरों में रहते थे और उनके कुछ ही महीनों के बच्चे हैं और उनकी एक वाइफ है और बच्चों को लेके वो खड़े हैं और इनका घर टूट चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चों को वो लेकर जाएंगे कहाँ, आज की रात कैसे बिताएंगे? लेकिन आज की रात के बाद भी उनका आगे का दिन है, वो किस तरह गुजारा करेंगे, खाएंगे क्या, बच्चों के लिए रहने की क्या व्यवस्था है? हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? हम लोग तो काफ़ी साल से यहाँ पर रह रहे हैं और ये जितने भी ये झोपड़े को उन्होंने अतिक्रमण किया है, ये सिर्फ अतिक्रमण नहीं किया है, इन लोगों ने पूरा प्लान किया है बिल्डर के साथ में मिलके बैठ के, बिल्डर से लेन देन करके और ये झोपड़े को उनको तहस नहस करना है। क्योंकि ये टोटल जगह जो उन लोग कहते हैं कि ये चिल्ड्रंस रूम की जगह है, तो चिल्ड्रंस रूम की सिर्फ यही जगह नहीं थी, टोटल 6.5 एकड़ जगह चिल्ड्रंस रूम की है जगह वो, और उस चिल्ड्रंस की जगह पर बिल्डर अपनी बिल्डिंग बनाना, कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो तालमेल कर रहा है गवर्नमेंट के साथ में। आपका कहना है कि बिल्डर ने तोड़फोड़ कार्रवाई की है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिल्डर का नाम क्या है और बिल्डर की प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट की क्या व्यवस्था है? बिल्डर ने जैसे ही हम लोग इस बोरबा देवी नगर के लिए एंट्रेंस करते हैं वहीं पर बिल्डर ने खुद इनलीगल तरीके से पत्थरा मार कर रखा हुआ है, उसका कुछ राइट नहीं बनता है यहाँ पर पत्थरा मारने का और या कुछ प्रोजेक्ट लाने का, क्योंकि ये जगह बिल्डर की है नहीं। ये हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या उनकी समस्या है और कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कितने साल से रह रहे हैं, आप लोग की क्या समस्या है? हमारा तो जन्म स्थान ही यही है, हम लोग साल से कह रहे हैं, मैं आज मेरी उम्र 32 साल है और मैं 32 साल से यहीं पे रह रहा हूँ। मैं देखा यहाँ से वहाँ तक, शुरू से लेकर रोड से देवनार से लेकर यहाँ तक काफ़ी लोग पहले से आए और बसे जो काफ़ी टाइम से होगा, लेकिन सिर्फ अतिक्रमण इतने ही जगह का किया गया है इसीलिए, ताकि बिल्डर से उन्होंने सांठ गांठ कर लिया है, बिल्डर से लेन देन की कार्रवाई हो चुकी है और बिल्डर ने यहां से झोपड़े को खाली करवाने के लिए पुलिस प्रशासन से मिलके हम लोगों को अतिक्रमण किया और हमारे बच्चों लोगों को घर से बेघर किया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने अभी कहा कि बिल्डर की तरफ से तोड़फोड़ कार्रवाई की गई है और बिल्डर ने महानगर पालिका पुलिस की मिली भगत से यहाँ पे कार्रवाई करवाया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कौन सा बिल्डर है और किसको यहाँ पे प्रोजेक्ट खड़ा करना है और उन्होंने जो कार्रवाई करवाई है? ये कोई अटलांटिका करके बिल्डर है जो पिंपले के उसने टेक ओवर करके लिया है, वो यहाँ पे प्रोजेक्ट खड़ा करने के उसमें है और इसकी वजह से उन्होंने कार्रवाई करवाया है गरीब लोगों पर। ये बात तो सच ही है कि हो सकता है यहाँ पे बिल्डर के माध्यम से भी कार्रवाई करने की कोशिश की गई हो और महानगर पालिका पुलिस अगर यहाँ पे कार्रवाई की तो पहले इन घर वालों को नोटिस देनी चाहिए थे, उसके बाद यहाँ पे बुलडोजर चलना चाहिए था। हम कम से कम 50 साल हो गया मेरे को। आप पेशेंट है, आपको ब्लड प्रेशर की? हाँ, दो अटैक आया बेटा। आप चाहिए तो डॉक्टर से बात कर लो। और मेरा फाइल है, टूट गया है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी कहाँ रहने के लिए? इधर ही रहेगा बेटा, रास्ते पे रहेंगे। कहाँ रहो? हमारे साथ बोरबा देवी नगर के और कुछ रहवासी हैं, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कितने साल से यहाँ पे रह रहे थे और उनके घरों के ऊपर महानगर पालिका का बुलडोजर चल चुका है। क्या कहेंगे आप, कितने साल से यहाँ रह रहे थे? 20 साल से ऊपर से रह रहे,
मेरे आदमी को मर्डर कर दिया, छोटे छोटे बच्चे लेके इधर 12 साल से गुजार रहे, देखो डेथ सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है, भेजे सब प्रूफ है जितना भी है। कितने बच्चे हैं आपको? और तीन बच्चे है, 12 साल से बगैर कमाई के पांजरापुर वाले मेरे को खाने देते और रह रहे इधर। हाँ, आज आपका घर तोड़ा गया तो यहाँ के बाद आपकी क्या व्यवस्था है, कहाँ रहने की व्यवस्था है? हम लोग को कोई नहीं है और कहीं जाने की कोई वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है। ये बात तो सच है कि महानगर पालिका को इनके घरों पे बुलडोजर चलाने से पहले इन्हें एक नोटिस देनी चाहिए थी, और नोटिस देने के बाद ही इनके घरों पे कार्रवाई करना चाहिए था। अगर किसी का घर अनलीगल है तो वो अपने हिसाब से देखता था, लेकिन हमारे साथ कुछ और महिला हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। क्या कहेंगे आप, कितने साल से रहते हैं यहाँ पे? 40 साल हमको यहाँ हो गया, उससे पहले से मेरे बाप दादा यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं, और डायरेक्ट आके जो बुलडोजर फिरा दिया, ये सब बिल्डर और उसके सब अचमचों का सब यहाँ पे है पूरा, ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। मोदी सरकार बोलता है सबको घर दो और ये लोग आके पूरा सबको बेघर कर रहे, सब कहाँ जाएंगे, बच्चे छोटे छोटे पूरा सामान ये सब क्या करेंगे, अभी कैसा होगा अभी ये? महानगर पालिका के बुलडोजर चलाने के बाद लोग तो बेघर हो गए, हो ही गए, लेकिन इनको अभी सहारा देगा कौन, कहाँ जाएंगे 100 से 150 लोग? आप क्या कहना चाहेंगे, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मुझे तो 25 साल हो गया है यहाँ पे, और 25 साल से यही हूँ, अभी कहाँ जाएंगे हमको खुद पता नहीं है, क्योंकि घर तो है ही नहीं, और बगल में बाथरूम बना हुआ है, ये BMC ने बांधा है, तो जब घर ही नहीं है तो बाथरूम बना के क्या फायदा है, गवर्नमेंट का पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो? हमारा जब बाथरूम ही नहीं, घर ही नहीं रहेगा तो बाथरूम रख के क्या फायदा है हमको? ये सब बिल्डर का सब चाल है, ये पूरा बिल्डर का चाल है। अभी वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग के ऊपर भी अभी ये लोग कभी कभी दादागिरी करता है बिल्डर का आदमी आके, तुम लोग घर से निकलो नहीं तो मार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करेंगे। एक ही कहना है कि बिल्डर के तरफ से बार बार इनको धमकी दिया जा रहा है, और महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन के मिली भगत से यहाँ पे इनके घर के ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन लोगों का एक ही कहना है कि हम सब हमारे घर से बेघर हो गए तो हम लोग जाएं कहाँ। कैमरामैन मिथिलेश के साथ राज पांडे, CN News, मुंबई।